अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, ठीक ठाक है? आप ठीक हैं? आज तो इतने प्यारे लग रहे हैं, आज तो मुझे भी काट गए आप। नहीं, आज तो मैं आपका भी जोड़ा देख रहा हूँ माशाल्लाह। आप मुकाबले के कपड़े पहनने लग गए मेरे साथ। सर ये पैसे की बात है, जिनके पास नहीं है उनकी बाहवां भी पूरियां नहीं गई। अल्लाह शफा दे तुहानू इन रंगा तो रंग की दुकान ही खोल लो नाल। जी पाकिस्तानी आवाम के हवाले से अगर बात करूं तो हम बड़े जिंदा लोग हैं। दुनिया की कोई भी आफत आ जाए हम उसको हंस के टाल देते हैं। कोविड के ऊपर बड़े मीम्स बने, बड़ी बातें हुई। एक बात बड़ी मशहूर हुई जो कि मुझे बड़ा मजा आया उसको पढ़ के, कि किसी ने भेजा मुझे, जो शादीशुदा लोग हैं कोविड का टेस्ट घर पे भी कर सकते हैं। बेगम के साथ बहस कीजिए, अगर आधे घंटे के बाद आपका सांस फूल गया तो समझ जाइए कि आपका कोरोना पॉजिटिव। बहस करने के लिए जुरल बहुत चाहिए। अच्छा, वैसे मुझे कई दफा लगता है कि ये एक हवा ही बना हुआ है बीवियों का। इतनी भी जालिम और जाबिर बीवियां नहीं है, अगर ऐसी होती तो हमारे भाई। सर हमारी तो सिर्फ बहस से पहले ही सांस फूल जाती है, यकीन करें। सोच के बीवी नहीं है, बीवा है। बीवा जी खराटा लैके तीन बारी डराती मैनू, यकीन खराटे चपेड़े मारती है तो खराटे की क्या औकात है। अरे वो एक आपका पर्सनल मैटर है, आप हरकतें अपनी दुरुस्त कर लीजिए, मार पड़नी बंद हो जाएगी। एक और बड़ी मजेदार मीम आई कि कोरोना ना हो गया, आर्थो ग्रोथ सीजन हो गया, पहला सीजन खत्म होता नहीं दूसरा सीजन शुरू हो जाता है। मुशाबत किससे दे दी, ड्रामे से दे दी। ठीक है जी, फिर एक बड़ी और आई मजेदार सी मीम के ये पहली मर्तबा होगा कि बच्चे वालदैन को वैक्सीन करवाने लेके जाएंगे। बच्चों को लेके जाते हैं, ये जो हर बार लहर आ रही है ना, एडी मनहूस बीमारी है यकीन कर। वो तो गवर्नमेंट कहती चार बंदे इकट्ठे ना हो, असी सत भरा की करिए गल ना करियो। उन्हें सत्ता ने मास्क लाया हो, साडा घर सानू हस्पताल दी वार्ड लगन लग पैंदा। सत्ती भरा माशाल्लाह एडे खूबसूरत ने, इन्होंने कमीजा लाई होने लगता है इंजन खुले पड़े। चलिए कोविड के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, हमारे मेहमान पीछे पड़े पड़े बस सीना ना जा। तो चलिए उनको बुला दें। आज की हमारी पहली मेहमान जो है मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। बट साहिब तालियों में वेलकम कीजिएगा बुशरा अंजुम बट साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशी रखिए। और हमारे एक भाई हैं, ताल्लुक तो उनका पंजाब से है, फैसलाबाद से है, फनकार आदमी है, मलंग आदमी है, छोटे भाइयों की तरह है, बहुत सारी तालियों में उनको भी वेलकम कीजिएगा जनाब अदनान शाह टीपू साहब जी। तो सरकार जी, सरकार में आप दोनों सरकार को हम खुशामदेद कहते हैं। मेरे ख्याल में हमारा पहली मर्तबा मुलाकात हो रही है, या हम मिल चुके हैं कभी पहले भी, क्योंकि आप जैसे आयशा जी को मिली हैं तो मुझे लगा कि बहुत पुराना दोस्ताना लगता है। बहुत पुराना दोस्ताना। आप डस्का की जीत पे ने मुबारक तो दे। बहुत बहुत मुबारक हो जी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, इतना अरसा इंतजार किया है इस जीत के लिए। नहीं देखे ना, चीजें अब सॉर्ट आउट हो रही हैं और कहते ना इट वाज अ वेल डिजर्व्ड, वो कहते हैं विन। यस, वेल डिजर्व। हाँ हाँ। और ये खाली एक डस्का की जीत नहीं है, ये वो जो हमारा नारा है वोट को इज्जत दो, आई बिलीव ये उसकी जीत। ये पीपल्स पार्टी ने आपके साथ क्या किया? वो करते रहते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं, कोई बात। और हर बार आप उन्हें अपनी सफों में ले आते हैं। देखिए जी, हम कहते हैं हर बारी वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए और एक फ्रेश मौका देना चाहिए, बट देन एट द सेम टाइम आई बिलीव पॉलिटिक्स में हर कोई अपने मफाद को पहले देखता है और देखना भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और आपको लगता है कि जहां से नून लीग नहीं जीतती वहां पे वोट को इज्जत नहीं दी जाती? टीपू जी, क्या लगता है कि कराची के जितने फनकार हैं, आप नुमाइंदगी करते हैं उनकी, आपको लगता है वो सारे अभी भी पीटीआई की तरफ हैं और उनका रुझान ज्यादा है? नहीं, मुझे लगा कि उसमें फर्क पड़ा है। लेकिन मुझे विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू यू एंड एवरी पॉलिटिशियन, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स व्हाट यू कॉल। अगर आप वफादार और मसलहतों और जरूरतों के तहत हक बात से हट जाते हैं, सब कुछ मोबाइल में आ गया यार। आज कल एक दूसरे के लिए आप क्या कह रहे थे, आज एक दूसरे के लिए आप क्या कह रहे हो, आज आप मिले बैठे हो। मुझे
तकलीफ होती है, आप मेरी इंटेलिजेंस पे चैलेंज करते हो यार, इसका मतलब है आप मुझे व्हाट यू थिंकिंग ऑफ। हां, आपको आपको लगता है टीपू जी के आवाम को तुर बनाया हुआ है सब सियासतदान, एवरीवन एवरीबॉडी। तो आप सियासतदान क्यों नहीं बने, आप इतना कुछ बने? मैं जो बनना था वो भी मेरे हादसाती तौर पे बन गया। मैंने अपने वाले साहब को देखा है, मुझे सियासत से उस दिन नफरत हो गई थी। फैसलाबाद पीपल्स पार्टी एक बहुत ही अच्छा नाम उठ रहा था, उनका नाम था फजल हुसैन राही। जब 88 में नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा सीएम बने थे तो ही वॉज लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो वो बहुत ही काबिल एंड ही वॉज सम वन हु वॉज ए विजनरी। आप उसको छोड़ के क्यों, वो जो बंदा सड़क से रेडी से गंडेरियां बेर उठा के खाता है उसको आप पीपल्स पार्टी फैसलाबाद का सदर बना रहे हो, और एक वो बच्चा जो विजनरी है वो कैन सी उसको आप छोड़ रहे हो, कौन सी पॉलिटिक्स है? मेरे ख्याल में तो पीपल्स पार्टी का तो हमेशा से ये शेवर रहा है, जहाँ उनका हाथ पड़ता है तो वहाँ पे वो गेम डाल जाते हैं, कुछ ऐसा ही है। What do you think? अभी भी तो ठीक है, हमारा रिसेंटली अभी थोड़ा सा हुआ है मेरे साथ, बट देन नुमान ऑनेस्टली स्पीकिंग हु वुडंट, यू नो हर कोई अपनी पार्टी का मफाद देखता है और उसके योर पार्टी कम्स फर्स्ट। डू यू थिंक योर कंट्री कम्स फर्स्ट? बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दैट, और यही दिस इज वन रीजन व्हाई आई जॉइन पॉलिटिक्स। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ बातों की हद तक ही, ओथ कसमें वादे, ये वन टाइम, ये वादों की हद तक ही है, ये बस हैं। हमारी हमारी सोच ओवरऑल इतनी सेल्फिश हो गई है कि जहाँ पे हमें अपना फायदा नजर आता है गुलफाम साहब जी सर, हम उसी तरफ चल पड़ते हैं। आपके वाले साहब ने कहा बड़े गुस्से वाले थे, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था, यानी सियासत से थे, आप फौज में क्या भाग आए, यानी वो दोनों इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप रोल प्ले कर रहे थे? मैं भागा नहीं हूँ, ये क्या कहते हैं उसको मिस, थोड़ा सा वो जो आपने देखे इंटरव्यू, आई एम हैप्पी आपने रिसर्च किया, वेरी हैप्पी। मैंने 85 क्योंकि वो कद अच्छा था तो मुझे मेरी माँ कह रही थी तू जेरी पावे तू चौकीदार थी वर्दी पाले तेरे तो जज थी बड़ी। जी सरकार में एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। जी सरकार में एक मरतबा फिर से खुश आमदीन, बातें थोड़ी सी पाख सी गई है, इन अदर वर्ड्स ऐसे ही है गुलफाम साहब जी, पखड़ी पखड़ी है जी, मैं बैठा हूँ पाख पाख है ना, हम ऐसे अल्फाजों से पता नहीं क्यों इज्तनाब करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, दूर होते जा, हालांकि हमारे तकरीबन सारे सियासतदान जो हमें करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में नजर आते हैं वो सारे पखे हुए नजर आते हैं। उनको पखने के ही पैसे मिलते हैं, सीट के लिए पखते हैं, वैसे अवाम के लिए नहीं पखते, अवाम के लिए नहीं पखते ना, एक दूसरे के को क्रिटिसाइज करते हैं। और बल्कि आयशा जी मुझे बता रही थी आप भी बहुत एंटी बोलते हो, हर वक्त एंटी बोलते हो, तंजिया पोस्ट आपकी बहुत है कि स्टे होम स्टे सेफ, बाहर नौकरियों की बारिश हो रही है, ऐसा ना मुंह पे लग जाए। लेकिन आप देखें कि वो तो देखें एज अ पार्टी आप क्रिटिसाइज तो करते हैं बट विद इन लिमिट्स, मेरे पोस्ट अगर आप देखेंगे भी आई नेवर हिट बिलो द बट दे आर वेरी सार्केस्टिक इजंट इट, सार्केज्म देखें ना, सार्केज्म विद इन, अगर देखें आई हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज मेरा माई फर्स्ट प्रोफेशन विल ऑलवेज बी टीचिंग, प्रोफेसर मुझे ये मैं हर पोस्ट से पहले सोचती हूँ कि व्हाट विल माय स्टूडेंट्स बी थिंकिंग राइट नाउ, तो नजर अगर मैं सार्केस्टिक हो रही हूँ बट आई एम विद इन द लिमिट्स और मेरी जो लैंग्वेज है वो मॉनिटर्ड है, देन आई थिंक आई एम फाइन, आई एम गुड टू गो। क्या कहती हैं आयशा जी? आयशा जी आप क्या कहेंगी इस बारे में, आपने इतना रिसर्च किया हमें तो मुझे तो लगा के रख दिया हर इंसान के अंदर। देखें ये कह रहे हैं कि उनका जो प्रोफेशन अगर ये पॉलिटिशियन ना होती तो प्रोफेसर ही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब टीपू जी माशाल्लाह शख्सियत में इतने किरदार हैं कि फौज में जाना चाहते थे या गए फिर वहां से, और वाले साहब का पॉलिटिक्स से ताल्लुक, फिर अभी ब्रेक में इतनी अच्छी सिंगिंग कर रहे थे, फिर शायरी भी ये खुद करते अच्छा, हैं, बैंक हाँ। बैंक की जॉब भी कर चुके हैं थोड़ी जी जी जी, काम कुछ छड़े हैं यार, लबने पैसे की जिंदगी कोई ऐसी जगह लब जाए जिथे कोई सुकून जे आ जाए। तो पहली बार जब मैं कैमरे सामने आया तो मैंनू कैमरा ऊपर ही नहीं लगया, तो मैं बस यही करना है मरदे दम तक यही करना। पर टीपू जी ए देखो जरा तुसी बंदे हो विलन, थोड़ा सा ये भी है, मैंने वकालत हमारे दोस्त की, मैंने एक मतलब
कुछ 6 मुख्तलिफ तरह के ट्रांसजेंडर्स के रोल्स प्ले कर दिए, तो उन्होंने कहा आप तो ख्वाजा सराओं के अल पचीनो हो गए। इमरान खान साहब के बहुत फॉलोअर्स हैं, कितने लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन बुशरा नहीं। बुशरा क्या रीजन है? एक तो ये आधा टाइम तो ये हमारी लाहौर की आंटियों ने हमें डुबो छोड़ा। क्यों? ही सो गुड लुकिंग, आप प्राइम मिनिस्टर सो गुड, भाई यू डोंट नीड लुक्स टू रन अ कंट्री। जहाँ जहाँ पे सारी आंटियां खान साहब की दीवाने हैं, सारे अंकल मरियम साहिबा के दीवाने हैं, आपको पता है इस बात नहीं? I swear upon God, I'm not exaggerating. She is a beautiful looking lady. She's mashallah beautiful and she knows how to carry herself. लेकिन मैं वही बात कर रही हूँ ना कि looks is not. Don't you think Imran Khan also knows how to carry himself? यही मैं बात कह रही हूँ कि इमरान खान may be good looking, may he knows how to carry himself, but this should not be a criteria to run a country. ठीक है ना? मैं यही बात कर रही हूँ कि जिस तरह वो बात करते हैं कि इमरान खान honest है और ये सब, Numan, these things, these traits are good for a personality, but they're not good to run a country. समझ रहे हैं? आप समझती हैं कि वो सारे traits जो हैं वो हमजा जी में हैं और मरियम साहिबा में हैं? देखिए जी, हर पार्टी के अंदर जो उनका अपना मौका है उसके मुताबिक कोई ना कोई लीडरशिप रोल्स तो है ना। आज मरियम नवाज माशाल्लाह इज अ क्राउड पुलर, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। चाहे लोग पूंडी करने आते हो इस कौम दा जी कौमी खेल है, जरूर कर रहे हैं। जैसे खान साहब के चक्कर में हमारी कौम अभी तक सिर्फ लुक्स तक ही वो है, तो फिर आई फील सॉरी फॉर माय नेशन कि उनका ये पर्सपेक्टिव और ये नजरिया सिर्फ के लुक्स तक ही रहना। मुझे किसी ने बल्कि पूछा कि साडी कौम नु एजुकेट क्यों नहीं किया जाता ना, तो मैं क्या जी एजुकेट अगर कर देंगे कौम नु तो फिर इन्होंने जलसिया से कौन नचेगा? और एजुकेटेड बंदा वैसे भी नाचता बुरा लगता है, बुरा लगता है। तो आप पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फाल निकालना एक दौर में हुआ करता था, कभी इसमें कोई इंटरेस्ट? हाँ जी, बहुत इंटरेस्ट कॉलेज डेज में, तो आपको पता है। दिखाती है लोगों को? नहीं अभी तो नई नई आई, अभी तो दिखाई लेकिन हम आपका हाथ शायद नहीं दिखाएंगे ना ही न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे। हमारे एक भाई हैं वो फाल निकालते हैं। अच्छा, तो आपकी आज हम फाल निकालते हैं, लेट्स सी कि फाल में क्या निकलता है। जी आइए पप्पू साहब। घर में मजाक निगारी ही आए, हम तो इस्तीफे चाहते थे, दगा दे गया जरदारी। अरे माशाल्लाह टीकू भाई तो निकले पैक रे शायरी, मौसीकी और अदाकारी। शी इज बुशरा भट साहिबा, नॉट ए बुशरा अंसारी। अरे वाह वाह, ऐसा लेके उड़ा है जहाज जी सरकार और नुमान इजाज। क्या बात है, क्या वाह 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 वाह, आज तो लगता है किसी शायर को चपेड़ा खा गया। थैंक यू पप्पू पायरेट। हे पप्पू, पप्पू पायरेट एंटरप्राइजेस, वेरी नाइस पप्पू। यस, हाउ यू डूइंग माय ब्रो? फ्रैंक, हाउ आर यू? आई एम गुड बेबी, गुड टू बी विद यू जी ने। माशाल्लाह। और बुशरा जी, मजे की बात यह है कि ये आप इसको मजाक मत समझिएगा, ये ऑनलाइन है, ये कोई फेक काम नहीं है। अच्छा, फाइल खाली इन्हें भी कटनी है, मेरी भी कटी जानी है। आप वो ये तो अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। आप जरा व्हाट्सएप पर इनसे ये पूछिए कि दुकान मेरी है या इनकी। चल बेटे पैरेट, आजा बेटा आजा। आहा, तीन बातें ऐसी बता दूंगा मैं आपको, यकीन करें जिंदगी में आपके काम आएंगी। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि ऊंट पालने हो तो दरवाजे ऊंचे रखने पड़ते हैं। ऊंट पालने हो तो दरवाजे ऊंचे रखने पड़ते हैं। जी ठीक है, इसी समझ गए, रख लेंगे। मुझे पप्पू जी की जो बात है ना, मुझे उससे ये लग रहा है कि उनके कहने का मतलब है कि अगर इस्तीफे लेने हो तो पाकिस्तान वापस आना पड़ता है।
ये मेरी फाल में से निकला है, आप मेरी फाल तक उतारे ना। नहीं, तर्जमा तो उसका यही है ना, आपकी ओवरऑल फाल मैंने निकाली है। नहीं, आप मेरी ये वाली फाल बताएं। ये स्ट्रेटजी फाल है। अच्छा नहीं बताएं, वाकई वैसे ये अगर इसको इस रेफरेंस में लिया जाए कि अगर इस्तीफे लेने थे तो वापस आना चाहिए था, तो क्यों नहीं आए? बिकॉज अभी इतनी आप ज्यादा दूर नहीं जाए, आप जहांगीरतरीन को ही देख लें, वो लोग एडमिट करें फलाह को देख लो या फलाह को देख लो, हम अपनी बात क्यों नहीं करते? हम अपनी ही बात कर रहे हैं कि वो जब हम चीख रहे थे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, अदारों का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, तो कोई नहीं मानता था। जब अब उनके अपने ही सफों में से उठ के लोग बात कर रहे हैं। ये जितने भी फाले निकालने वाले हैं, ये मेरे पैरट को यकीन माने जहांगीरतरीन समझ रहे हैं। हर पार्टी कह रही है मेनू दे दे, मेनू दे दे। फाल कुछ और निकली थी और आपने बात कुछ और। आपकी इसी जबरदस्ती, हम नहीं मानते इनको। आपकी इन जबरदस्तियों की वजह से फिर आपको जाना पड़ता है। और अंधी वाली गल है, शेर वाले तोते वाले को डर रहे हैं। किसी ने कहा है कि कल्ला कलंदर वसे ते कड़ियों पानी नसे। इसको थोड़ा सा आसान उर्दू में एक्सप्लेन कर दे ताकि हम समझ जाए। थोड़ा स्कूल चले जाते तो समझ जाते, लेकिन मैं बता देता हूँ। जुगता मार ली पहले। नहीं हाँ कि हाँ जी, ना मैं ये चाहता हूँ। नहीं कि तेरा सोने वर्गा चिट्ठी चिंगम वर्गा आजा आजा उन दबा दे, प्रोग्राम कैमरे ऑफ कर दिया, हम आपस में अपने हाँ कर दे। जब एक दूसरे की आप टांगे खींचने में रहेंगे बाबा, तो बरकत उठ जाएगी, चाहे वो घर हो, मुल्की सियासत हो या शोबिस हो। अरे वाह, विशाल जी, टीपू साहब, आप मुझे बताइए, ये जो सरकार कह रहे हैं ये है, सियासतदानों में तो खैर ये ट्रेंड बहुत पाया जाता है एक दूसरे की टांगे खींचने का, और मेरे ख्याल में हमारा कौमी कल्चर है, कौमी खेल है, बल्कि इवन इफ यू लुक एट द कॉर्पोरेट कल्चर इंस्टीट्यूशन है, कहीं पे भी आप देखें। यस, और ये देखें, जब एट टाइम्स एज ह्यूमन बीइंग्स हम में कंटेंटमेंट नहीं रही, जब आपको ये फीलिंग आ जाए ना कि जो मेरी किस्मत का है मेरे पास चल के आएगा, तो फिर आप में बड़ा इत्मीनान रिलैक्स हो जाते हो आप। ये आराम से बैठने वाली स्ट्रेटजी आपने बताई है मरीम साहब। जी बिल्कुल। अच्छा। इसलिए आजकल आराम से हैं। तभी तो देखे ना, सब कुछ चलता हुआ आ रहा है हमारे पास। कोई और बात कहना चाहेंगे? सारियां गल्लां सियासतदानां नूं मैं ही दसनी है ना, तो मैनूं ही पॉलिटिशियन बना दे। थैंक यू वेरी मच पप्पू जी। टीपू जी, एक्टरों में भी है, सियासतदानों में तो है, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये तो अब हमारा एक कौमी खेल सा बन गया है, फनकार खींचते हैं टांगे? ऐसा एक्सपीरियंस हुआ किसी फनकार ने टांग खींची हो? मैंने वो सुना, मैं सुनी सुनाई बात पे चूंकि यकीन नहीं करता, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर हसद, उसमें हसद का बड़ा आंसर शामिल है नोमी भाई, हसद क्या है? अल्लाह को ये हाइट वाइट अल्लाह ने आपको दी है, ये बोलने का सलीका ढंग और जो आप काम करते हैं ये अल्लाह का अता करता है आपको। तो अगर मैं आपसे हसद करता हूँ या आपकी टांगे खींचता हूँ, तो मुझे लगता है ये अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ है। बिल्कुल, अल्लाह की तकसीम से। वेरी नाइस वे ऑफ पुटिंग इट। वो क्या कहते हैं, टांगे खींचने से बिल्कुल ये है, मैं आई एम सॉरी टू से, क्या कहते हैं, पीपल गेट ऑफेंडेड जब कोई भी सच बोला जाए। अगर आप आजकल के दौर में किसी की मदद करें ये खबर नहीं है, आप किसी को जेबी डॉल करें ये खबर है। बात तो सच है, बात है भाई। ये बात इस पे सॉरी मैं ऐड ऑन करना चाह रही हूँ कि मैं मीडिया से इस बारे में मेरा बड़ा इख्तलाफ है कि हमारी जो यूथ है, हमारी जो अवाम है, इसको डीमोटिवेट डीमोरलाइज करने में मीडिया का भी बहुत हाथ है। कुछ अच्छा होएगा वो कभी नहीं शो करेंगे, लेकिन कुछ बुरा होगा तो उसको हाईलाइट करके ऐसे चलेगा। हम एक छोटी सी ब्रेक ले लें, उसके बाद ये इस बात पे भी हम बात करेंगे, लेकिन टीपू जी की बात मेरे तो मन को बड़ी भाई है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो ये खबर नहीं है, लेकिन अगर हम किसी के साथ जबी डाउट से मुराद ये कि ज्यादती करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। जी सरकार में कहीं मत जाइएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेरी गुड टीपू जी। ब्रेक में जाने से पहले जी सरकार में मैं कह रहा था कि एक चीज कॉमन मुझे जो लग रहा है, आपका नाम भी बुशरा है, खान साहब का नाम भी बुशरा है,
आपके शौहर का नाम इमरान है, वो तो इमरान है। I remember जब ये खबर चली ना, तो I was married to my husband for good 2 years by that time. तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की बीवी, मैंने कहा ओ इमरान, दुनिया में एक इमरान बुशरा काफी नहीं थे। आपका भी कोई निकनेम है? नहीं, नथिंग। अच्छा, प्यार से आपको नहीं बुलाते? प्यार से कोई नहीं बुलाता, सारे गुस्से से ही बुलाते। माशाल्लाह चार बेटियां, बहुत प्यारी, लाडली, रोशनी, खुशी, ताबीर और मन्नत, बेतहा मोहब्बत सर, जीने की वजह सर। एक बच्चा बड़ा फेवरेट होता है, ये अमूमन देखने में आया है। नहीं सर, तियां दे मामले, औलाद दे मामले चाहिंदा नहीं, औलाद के मामले नहीं, 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 लेकिन फर्स्ट बॉर्न के साथ एक ऑटोमेटिकली लगाव ज्यादा होता है। अच्छा अनुमी भाई, सम हो मेरे साथ ऐसे, मुझे लगता है कि वो एक दूसरे की एक्सटेंशन है, साथ ही जुड़ी हुई है, ऐसी 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 ऐसी। जैसे जब मैंने सोचा हुआ था, हमें तो पता नहीं था एक ही नाम सोचा हुआ था, रोशनी, जब खुशी मेरे पास आई, मैं शिवा सो गुगलू मोगलू, बहुत बेगम इनकी पठान है माशाल्लाह, और पठानी है और बड़ी प्यारी है। आई हैव सीन द पिक्चर, इनकी मैंने दिखाई, इनकी फेवरेट है भाई, ये और वो बहुत बदमाशी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेटियों के साथ बस अल्लाह एक दुआ करता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या डेफिनेटली बच्चों को पढ़ाना तो है, तो क्या शौक है बच्चों के? सर मैं कहता हूँ वो अलामा इकबाल साहब वाली बात है ना, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, मैं तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूंगा, एनवायरनमेंट क्रिएट कर दूंगा, आगे उनके एटीट्यूड्स है, मैं उनके लिए हर वो आसानी पैदा करने चाहूंगा जो वो करना चाहती हैं वो कर सके। कोई फर्क आया जो रोशनी, ताबीर? सर मुझे लगा मैं खत्म हूँ, मैं अब सेकेंडरी हूँ, मैं कोई टीपू शीपू नहीं, अब मैं रोशनी, खुशी, ताबीर और मन्नत का बाप हूँ, और हाजरा का मियाँ हूँ, और जमीला बेगम का बेटा हूँ। खूबसूरत पुष्टा जी, आती है चेंज, आता है शादी के बाद, यू बीइंग अ पॉलिटिशियन और दूसरा टेन्योर आपका चल रहा है, तो जिम्मेदारियां घर की, और उसके बाद खावन को भी देखना और बच्चों को भी देखना, इज इट डिफिकल्ट टू कॉपरेट बट टू कॉप अप विद दिस सिचुएशन? नुमान, फॉर मी माय फैमिली कम्स फर्स्ट, तो उस वजह से वो इतना खूबसूरत मुझे सपोर्ट सिस्टम इमरान का मिला है, जिसके बगैर आई डोंट थिंक आई कैन मैनेज। आपको आपको ये पूरा आप छोटी से कह सकती हैं कि आप इस इमरान को छोड़ के उस इमरान के पास नहीं जाएंगे? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हालांकि मैं ये जरूर कहती हूँ कि जो जो अपने बेटे का नाम इमरान रखता है वो अब माँ बच्चे के साथ कंटेनर जरूर दे, क्योंकि दे आर वेरी स्टबर्न। लेकिन साहब है एक, हाँ, साहब है जो मिलना चाह रहे हैं आपसे, पीटीआई से उनका ताल्लुक है। अच्छा। वो कह रहे थे कि मैं पर्सनली उनसे बात करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। जी जरूर जरूर, आइए सर। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है, तब्दीली आई है, तब्दीली आई है, तब्दीली आई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमजद बेहतरीन। अमजद बेहतरीन। तो आप अगर बेह निकाल भी दें तो फिर भी मैं अमजद तरीन तो नहीं हूँ, लेकिन अमजद बेहतरीन। माशाल्लाह, लग भी बेहतरीन है। तो पीटीआई से ताल्लुक है? बहुत पुराना, हम तो बानियों में से हैं। बानियों में से। आप मुझे कह रहे थे कि बुशरा साहिबा से कोई बात करनी है। जी, मुझे पता चला है कि नॉन लेके बुशरा साहिबा आई हैं, तो मैं इनके लिए ऑफर लेकर आया। आप दीजिए ऑफर अपनी। एक बेहतरीन पैकेज है हमारे पास, मैं चाहता हूँ देखें, आप छोड़ दें ये अलफ बे ते से नून काफ लीग, इधर आ जाए पीटीआई में, खुले हैं हमारे दरवाजे सबके लिए। ठीक है जी, वो आपको एक टिकट देते हैं, हम आपको रिटर्न टिकट भी देंगे। क्या कहती है? अभी तक पैकेजेस दे दे के थके नहीं है? सीखा नहीं आपने अभी तक? नहीं, क्या मतलब सीखा? क्या मतलब? जहाज लेके इधर सवारी पकड़ो, उधर सवारी ढूंढने से थके नहीं, सीखा नहीं? हमारे अपने जहाज है जी, जहाँ मर्जी जाए। तो आप ऑफर दीजिए। देखिए जी, मैं किसी भी टास्क फोर्स का हम आपको चेयरमैन बना देंगे। लेकिन कल कल भी तो जाना ही है ना किसी पार्टी में। अल्लाह ना करे। अच्छा जी, नुमान, आई दिस इज द हाई टाइम इफ यू आर गेटिंग अ गुड ऑफर। आई पर्सनली फील कि जैसे आगे अल्लाह को बेहतर पता है, लेकिन पार्टी हॉपिंग, पार्टी स्विचिंग के बाद ना आपके अपनी पर्सनालिटी में वो बात नहीं रहती। आपको हमारे तरक्याती काम शायद नजर नहीं आ रहे।
मुझे सब नजर आ रहा है। नजर तो किसी में नहीं है। बात ये कि सभी नजर आ रहा है। सारे तरक्याती काम आपने वेस्टकोट पे करा लिए मेरे जी। मेरे ख्याल से ज्यादा फोकस इसी पे था। वाह वाह क्या थैंक यू। उधर की बात बताऊं, नून लीग वाला खाता अब खत्म। हाँ जी अब पीटीआई अगले 5 साल भी। फिर सब दुआ करें मुल्क की बेहतरी के लिए। मैं तो ये दुआ करती हूँ कि अगले 5 साल क्या अगले 10 साल जो भी आए मुल्क के ऊपर फोकस करे ना कि एहतसाब के नारे लगे। वाहिद पॉजिटिव सोच वाली मैंने पॉलिटिशियन देखी है जिन्होंने एक बड़ी न्यूट्रल सी बात की। हल्का सा बेइज्जत नहीं हो रहा? हल्का सा नहीं, ज्यादा सा। काफी सर मुझे लगता है फील करें काफी ज्यादा होना चाहिए। अच्छा जी मैं फर्क ना ही समझूं। अब वो तो वो मेरा ख्याल है। अच्छा जी मैं जाऊं जी। हां मैं लाहौर में पड़ा हुआ कचरा उठा रही। बिफोर वी एंड द प्रोग्राम बुशरा जी कोई मशवरा देना चाह रही हूँ आप बुजदार साहब को, हमजा साहब को, मरियम साहिबा को, थ्रू मीडिया किसी को कोई बात पहुँचाना चाह रही हूँ जो काफ़ी अरसे से आपके अंदर है और आप डिलीवर नहीं कर पा रही हैं। मैं जनरली इस पोलिटिकल सिनारियों को देख के मुझे थोड़ा सा खौफ भी आता है बिकॉज वो इतना ज़्यादा मफ़क़ाते अमल नज़र आने को आ रहा है। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड वाली बात है। थोड़ा सा मुझे ये कि ये इतनी एनिमोसिटी जो बढ़ गई है इसको हम साइड पे रख के वही बात ऐसे ये करें कि लेट्स फोकस ऑन द कंट्री बिकॉज इट्स सफरिंग, इट्स ब्लीडिंग द इकॉनमी, एवरीबडी इज ब्लीडिंग, इट हैज़ नो एंड। लेट्स ऑल फोकस एंड लेट्स ऑल फोकस ऑन वन थिंग, दैट्स आवर कंट्री। बिल्कुल ठीक बात है। खुदा का वास्ता है, अपने बारे में सोचना छोड़ दीजिए, अपने जो आपके आपस में मसाइल हैं उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, कम से कम एक टेन्योर के लिए तो भूल जाइए और इस मुल्क का सोचिए, इसकी आवाम का सोचिए, जो सफ़र कर रहे हैं उनका सोचिए। थोड़ा सा हम चाहते हैं गुनगुना दीजिए हमारे लिए। पहला सलाम करा तेनु मेहरबाना, पहला सलाम करा तेनु मेहरबाना, जे अखियां मिलाया टूट के नहीं जाना, जे अखियां मिलाया टूट के नहीं जाना। नवा नवा शुरू होया तेरा आना जाना, नवा नवा शुरू होया तेरा आना जाना, जे अखियां मिलाया टूट के नहीं जाना, जे अखियां मिलाया टूट के नहीं जाना। पहला सलाम करा ते कोई वफादार नहीं मिले या, दिल किनू दइए सानू प्यार नहीं मिले या, आ, 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 दुनिया ते कोई वफादार नहीं मिले या, दिल किनू दइए सानू प्यार नहीं मिले या। दस मेहरबाना किताए वसा खाइए, दस मेहरबाना, जे अखियां मिलाया टूट के नहीं जाना, जे अखियां मिलाया टूट के नहीं जाना। पहला सलाम करा जी सरकार के अगले एपिसोड के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।